हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज खाने वाली लगने वाली एक सब्जी। वो है आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, आलू काट के रख दिया है और एक टमाटर ले लिया है, दो हरी मिर्ची को स्लिट करके ले लिया है और कुछ शिमला मिर्ची कैप्सिकम मैंने डाइस डाइस करके काट करके रख लिया। आप देख सकते हैं मैंने डाइस डाइस करके काट लिया हुआ है। तो आइए चलते हैं, अभी बनाना शुरू करते हैं आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। सबसे पहले बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑयल चढ़ा दिया है, 2.5 टीस्पून कह सकते हैं आप। मैंने ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ये ऑयल मेरा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इसके लिए इसके अंदर अभी जाएगी, सबसे पहले पहले जो इंग्रेडिएंट है सबसे, वो जाएगी ये जीरा। ये जीरा तड़क जाए उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे, मैंने जो जीरे डाल रखे थे, ये मेरा जीरा पूरी तरह से क्रैकल हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी 1 बारीक कटी हुई प्याज, लंबे लंबे शेप में कटी हुई प्याज। मैंने ये प्याज डाल दिया है। इस प्याज को अभी मुझे फ्राई कर लेना है, अच्छे से फ्राई करना है इस तरह से। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट भी, प्याज तल जाए उसके बाद ये पेस्ट इसके अंदर जाएगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये अदरक लहसुन जो मैंने पीस के रखा हुआ था, ये पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे इसके अंदर डाल देना है। तो मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अभी मुझे इसको फ्राई करना है। जब तक कि इसका रॉ फ्लेम चली जाए तब तक मुझे इसको फ्राई कर देना है। ये मेरा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं ये तला पकड़ रहा है कढ़ाई का, इसीलिए जिस जगह में मैंने ये पेस्ट बनाया था उसी जगह को धो के मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के जाऊंगी और इसमें बाकी के सारे मसाले मैं मिला के जाऊंगी। इसमें मसाले के तौर पे पड़ेगी हल्दी पाउडर, मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दिया, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून ये जाएगी धनिया का पाउडर। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो वो है थोड़ा सा केचप, केचप मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। कह सकते हैं ये 1 बड़े वाले टीस्पून का मैंने इसमें केचप ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए मेरा कितना सुंदर अच्छे से मेरा ये तल रहा है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी कलर आने के लिए मैं ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसके अंदर और कुछ भी मसाले नहीं जाएगी, मैंने मसाला का डिब्बा बंद करके रख दिया है, अलग से हटा दिया है। इसके अंदर बस इतने से ही जाएगी। मुझे इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करने है। अभी मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून करीब चीनी मैंने ऐड कर दिया। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से मिला लूंगी। चीनी ऐड करने के बाद मैं फिर से इसको मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हरी मिर्च मैंने डाले थे वो, और आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा सा मसाले के साथ भूनना है मुझे। मैं ये आलू मैं इसे शेप में काटे हैं, अगर आप हो सके आप क्यूब्स में काट सकते हैं। मैंने, मुझे ये शेप अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये इस शेप में काटे हैं, आपके मनचाही शेप में आप काट सकते हैं। अभी थोड़ा सा आलू फ्राई हो चुका है, मैं इसके अंदर इस स्टेज में ऐड करूंगी नमक। नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक खाना है आप उतना ही ऐड करिएगा। नमक के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये शिमला मिर्चें, सारे शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके तुरंत बाद मुझे ऐड करने हैं 1 टमाटर जो लंबे लंबे करके काट के मैं ऐड कर दूंगी।
ऐसे लंबे लंबे करके काट के मैं ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही कलरफुल और बेहद स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। आप यकीन नहीं कर पाओगे जब तक आप घर पे बनाओगे नहीं। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे ऐड करने हैं इसके अंदर थोड़ी सी पानी, जो मैंने जार में पेस्ट बनाया हुआ था अदरक लहसुन का, उसी का पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप जब ये सब्जी बनाओगे और जब घर पे खाओगे आप लोग, तो ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हो, और अगर कोई व्रत या उपवास हो तो अदरक लहसुन और प्याज स्किप कर सकते हो, तो भी ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं जाएगी, ये बिल्कुल सूखी सब्जी बनती है, तो इसमें इतना सा ही पानी ऐड करूँगी मैं, करके लगा दूँगी, इसका लीड ऑन कर दूँगी, मैं इसमें लगा दूँगी ढककर। अभी मैंने इस सब्जी को ढक्कन लगा दिया है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने ढक्कन लगा दिया है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है ताकि ये आलू पक जाए। शिमला मिर्च वैसे भी गर्मी गर्मी में पक ही जाएगी, और शिमला मिर्च थोड़ा सा क्रंची रहे तो वो खाने में अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं लगता है। आलू गलने के लिए मैंने जितना पानी की ज़रूरत है मैं उतना दे दिया है। अभी 10 मिनट के लिए इसको मैं धीमी आंच में एकदम स्लो फ्लेम में पकने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे बनती है। अभी ये सब्जी भी पूरी तरह से बन करके तैयार है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बचा हुआ है, इसको मैं सुखा लेती हूँ। आप देख सकते हैं आलू भी एकदम गल चुका है, मैं दिखा रही हूँ, देखिए करछी एकदम अंदर तक जा रही है। इसको मैं फ्लेम बढ़ा रही हूँ। अब इसके अंदर मुझे ऐड करने हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। आप इस स्टेज में इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी घी ऐड कर सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, रोटी पराठा चपाती के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप ये घर पे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तभी भी मेरे को कमेंट करके बताएं, अगर नहीं अच्छी लगी हो, कोई कमी है, कुछ चीज़ और करना चाहिए इसके अंदर, तो भी आप मेरे को प्लीज़ बताएं कमेंट करके। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये रेसिपी जो है ये शेयर करने से अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।